तो मेरे सामने हैं भैरव टमटा जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और उनसे पूछता हूं कि आपका अगर आप विधायक बनते हैं तो बागेश्वर के लिए क्या करेंगे। भैरवनाथ जी सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, और दो शब्द हमारे मित्रों को बताइए कि अगर आप जीतते हैं तो क्या करोगे बागेश्वर के लिए। देखिए, बागेश्वर के लिए मैंने अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है जी। सभी को मालूम है यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा क्या, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या बदाली है जी, शिक्षा की क्या बदाली है जी। हम बात करते हैं कि यहाँ से पलायन हो रहा है जी, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि जंगली जानवरों से, जंगली सुअर हो गए, बंदरों से कितना आतंक यहाँ मचा हुआ है कि जो किसान है वो खेती बाड़ी छोड़कर पलायन करने को मजबूर है जी। रोजगार की यहाँ बड़ी समस्याएं हैं। 15 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं जी। मैं उनके कामकाज के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा जी। जनता है क्योंकि जी मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। चलो ये तो ठीक है, जो भी देखती है वो जनता देखती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या रोल मॉडल है? ये तो आपने कहा कि हम रोजगार देंगे, लेकिन कुछ ऐसा रोड मैप है आपका? देखिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में जो आपको सबसे पहले बोला है, जो मेरी जो पहली प्रायोरिटी है जी जी, वो स्वास्थ्य सुविधाओं सुधार की है जी, शिक्षा व्यवस्था सुधार की है जी, और हर गांव को रोड से जोड़ने की है, हर गांव तक पानी पहुंचाने की है। जो मूलभूत सुविधा होती है जी, सबसे पहले इंसान जो है मूलभूत सुविधा में टारगेट करता है। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा आपको। हमारा विधायक कैसा है? जिंदाबाद जिंदाबाद।